अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अर्सा हो गया था, मैं व्लॉग कोई भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, आप लोगों से अपनी डेली की रूटीन शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और फिर तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड या एडिट वगैरह नहीं कर पा रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत काफ़ी बेहतर है और फिर मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। वीडियोस को खैर पहले ही भी बनाती रही थी लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी है बट मैं इसको एडिट अप कर रही थी। ये मेरा व्लॉग सुबह से स्टार्ट था और मैं थी अपनी अम्मी के घर पे और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, जिसमें मैं खा रही थी साग और पराठा। और किस किस को सर्दियों में साग और पराठा बहुत पसंद है? मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है अगर मैं साग और पराठा खाऊं। और अब तो खैर सर्दियाँ गुजर रही हैं, बल्कि गुजर ही चुकी है, समर स्टार्ट है। तो इस दिन थी मेरी सिस्टर की तरफ दावत, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके कुकिंग कर रही थी। जो रेसिपीज़ मैंने बनाई थी वो मेरे चैनल पर मिलेंगी और जो रेसिपीज़ मेरी सिस्टर ने बनाई थी उनको देखने के लिए आपको उनके चैनल पर जाने पड़ेगा, जिसका नाम है होम स्वीट व्लॉगर। और मैं बना रही थी दही का रायता, इसके लिए मैंने क्यूकम्बर, प्याज, टमाटर इन सबको कटिंग करके रख लिया था, क्योंकि अगर कटिंग की हो ना फिर चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है, ख़ासतौर पर जब दावत वगैरह हो और हमारे पास टाइम काफ़ी कम हो। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता है कि अगर हम सबको वेजिटेबल्स को एक साथ कटिंग कर लें, फिर टाइम काफ़ी बच जाता है और फिर बस उनको कुकिंग में डालना और वैसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मैंने कटिंग करके मिक्स कर लिया था और मैं उसी बॉल में बना रही थी जिसमें हमने सर्व करना था ना, इस वजह से। और वीडियो को बनाते हुए काफ़ी कैमरा हिलता जुलता रहता है क्योंकि मैं अम्मी की तरफ जाते हो ट्राईपॉड नहीं लेके जाते हो, ये भी वजह हो जाती है थोड़ी सी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दावत भी बहुत अच्छे गुजर गई थी। अब तो खैर मैं अपने घर आ चुकी हूँ वापस। सारे वेजिटेबल्स को डालने के बाद मैंने दही में सारा मसाले वगैरह डाल लिए थे और सब्ज़ चटनी भी दही में डाल के अच्छे से मिक्स करके इनमें डाल दिया था, सब कुछ शामिल कर दिया था एक साथ। और बहुत यम्मी से दही का रायता या दही पकौड़ी कह लें इसको, खैर इसमें पकौड़ियाँ तो हमने डालनी ही डाली थी, वेजिटेबल रायता हम इसे कह सकते हैं, वो बनाया था और काफ़ी मज़े का बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बहुत पसंद आया, दावत बहुत अच्छी रही। मैंने बनाए थे दही का रायता, मतलब मिक्स वेजिटेबल रायता कह लें, और साथ में मैंने बनाई थी लब्बे शीरी। बाकी जो मेन कुकिंग थी जिसमें थे राइस, वाइट कोरमा और था मटन का सालन, वो सब मेरी सिस्टर ने ही बनाया था। आप सब लोग भी बताइए गया कि आप लोगों को अच्छा लगता है मिलके कुकिंग करना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर मिलके कुकिंग करें, कुकिंग करना इजी हो जाता है, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, बातों बातों में पता भी नहीं चलता और काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। और मैं और मेरी सिस्टर, हम दो बहनें और एक भाई हैं, तो हम दोनों में माशाल्लाह से बहुत प्यार मोहब्बत है। मैं छोटी हूँ वो बड़ी है, तो वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा करती है प्यार वगैरह, बट मैं इतना नहीं कर पाती उसको, बट वो माशाल्लाह बहुत प्यार करती है मुझसे। अल्लाह सुब्हान व तआला उसको ढेरों खुशियाँ दे। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही है तो इसके लिए मैं पहले ही से एक्सक्यूज़ करती हूँ, क्योंकि
क्योंकि अभी तक मेरी तबीयत बिल्कुल कंप्लीट ठीक नहीं हुई है। अभी भी फ्लू है, बट फिर भी मुझे लगा काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कोई भी व्लॉग या वीडियो नहीं डाली, तो इसलिए आज भी मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और वैसे भी वीडियोस पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इनको एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। अब और साथ में मैं बना रही थी लब्बे शीरी, इसके लिए मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसमें चीनी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था कि अच्छे से दूध बॉयल भी हो जाए और चीनी भी डिसॉल्व हो जाए। दूसरी तरफ मैंने रंगीन सेवैयाँ पकने के लिए रख दी थी। इनको बस इतना सा बॉयल करना होता है कि इनका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इनको ओवर बॉयल करने से परहेज करना चाहिए। फिर ये मेरी कस्टर्ड जब रेडी हो गया था तो ये उसकी फाइनल लुक थी। मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ किया, आप लोग अपनी मर्जी से जो सा मर्जी फ्लेवर यूज़ कर लें। साथ में मैंने लिया था फ्रूट कॉकटेल का एक टीन, जिसमें मिक्स फ्रूट होते हैं। ये इससे होता है कि हमें लैदा से हर फ्रूट्स नहीं लेना पड़ता। फिर सेब लिए थे, केले थे और टेट्रा पैक क्रीम थी। क्रीम आप अपनी मर्जी से जो भी आपको इजीली मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने जिस बॉक्स में इसको हमने सर्व करना था उसी में मैं इसको बना रही थी, उसी में मैंने पूरा फ्रूट कॉकटेल निकाल लिया था। इसका जो जूस होता है वो नहीं हम यूज़ करेंगे, ये कस्ट अदरवाइज हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। सारे फ्रूट्स मैंने एक साथ डाल के साथ ही क्रीम ऐड करती थी, तभी लाइट चली गई थी। तो फिर टॉर्च की मदद से हम बना रहे थे, वीडियो तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। फिर क्रीम में ही सारा कुछ डाल दिया, फिर उसमें ही मैंने सेवैयाँ भी डाल के अच्छे से इसको कर लिया था मिक्स। और फिर जो लैदर से हमने फ्रूट कटिंग किए हुए थे सेब और केले वो भी ऐड कर दिए थे इसमें। जब सारे फ्रूट्स मैंने देखे ना कि अच्छे से क्रीम से कोट हो गए, इसको क्रीम में कोट करने का एक ये भी फायदा कि फिर फ्रूट ब्लैक नहीं होता। फिर बाद में मैंने जो कस्टर्ड काफ़ी रूम हद तक रूम टेम्परेचर पे आ चुका था उसको इसमें ऐड कर दिया था। फिर थोड़ा सा एंड पे इंडेक्स मिल्क डाला था, वो आपकी मर्जी, आप चाहे तो स्टार्ट में डालें चाहे एंड पे डाल लें। मैंने एंड पे इसलिए डाला था, पहले मुझे लगा था ज़्यादा मीठा ना हो जाए, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा नहीं मीठा ठीक है, तो फिर मैंने एंड पे कंडेक्स मिला इसमें ऐड कर दिया था। डेकोरेशन के लिए मैंने मुरब्बे अशरफियाँ जिसको बोलते हैं वो बादाम खजूर और अखरोट को कटिंग करके रखा हुआ था, जो कि ऊपर से गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी। वैसे तो हम इसमें जेली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि की जाती है लब्बे शीरी में, बट मैंने नहीं ऐड की थी और बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का था। अब सब लोग भी लब्बे शीरी अगर बनाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनाते तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है बट बनती बहुत मज़े की है। और ये थी इसकी फाइनल लुक। अब दोबारा से देख के मेरे दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं इसको बनाऊं और खाऊं। बहुत मज़े की होती है, स्पेशली गर्मियों में तो ऐसी चीज़ें ऐसी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये ठंडी होती है।
बाकी जो था मेन्यू उसमें बिरयानी थी, चिकन पुलाव जिसको हम कह सकते हैं, वाइट कोरमा था और मटन था और फिश थी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।